हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम जिंदगी में कई बार छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे के बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। और जो आदमी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से चिंतन करता है, उसका मंथन करता है, एनालिसिस करता है, और वो आदमी बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है, पैसे कमा लेते हैं। सो ये जो आज का टॉपिक है, ये रियल एस्टेट के हिसाब से मैंने लिखा है, सस्ती वस्तु या प्रॉपर्टी किसी का ध्यान नहीं खींचती। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये मैंने दो साथ में केस स्टडी भी दी है इसमें कि ये कैसे, जो ये प्रॉपर्टी है डेरा बसी के आसपास है और ये राजपुरा पटियाला ज़िले के पास है, तो इन प्रॉपर्टी में मतलब बिल्कुल रेट जीरो और प्रॉपर्टी हीरो वाली बात थी। लेकिन जो मेरे साथी थे, उनको जब मैंने ये बात समझाने की कोशिश की तो मेरे को उन्होंने डिस्करेज किया, ये कह के कि ये डेराबसी में प्रॉपर्टी है और डेराबसी में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, तो उनको क्यों नहीं इस बात समझाई जो आपको समझागी। तो दोस्तों, सिंपल बात यह है कि मेरा कोई अलग तरीके का एंगल था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि रियल स्टेट करने के लिए हमें तीन चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। नंबर वन, कैलकुलेशन। नंबर दो, उसकी जो कंपैरिजन ऑफ रेट्स। तीसरे नंबर पर मैनिपुलेशन। जो इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था वो था मेरा कंपैरिजन ऑफ रेट। कंपैरिजन ऑफ रेट, ये प्रॉपर्टी जो है चंडीगढ़ दिल्ली को जो हाईवे जाता है उसके ऊपर है। ये डेराबसी, यहाँ पर एक तहसील है डेराबसी, और डेराबसी से 2-3 किलोमीटर आगे जाके ये गाँव देवी नगर को एक रोड जा रही है, और देवीनगर को रोड जा रही है। ये बिल्कुल रोड के ऊपर ज़मीन थी जिसको दोनों तरफ का फ्रंट था, मेन रोड का भी फ्रंट था और इधर वाला भी फ्रंट था। तो ये प्रॉपर्टी किसी दिलीप सिंह नाम के बंदे ने मेरे को दिखाई थी, जो मेरा अच्छा दोस्त था। तो वो जब ये आदमी ने, ये 7.5 एकड़ ज़मीन मैंने लिखी है, 7.5 एकड़ लैंड थी, और इसका 75 लाख रुपये रेट बताया था मेरे को। जब 75 लाख रुपये बताया तो मैंने समझा भी ठीक है, प्रॉपर्टी बढ़िया है, मतलब मेरे को ज़्यादा उसने खींचा भी नहीं और ज़्यादा मैंने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया। तो जब उसके बाद एक दिन दिलीप सिंह का मेरे को फ़ोन आता है 6 बजे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये मतलब प्रॉपर्टी 55 लाख में मिल रही है, 75 लाख वाली प्रॉपर्टी 55 लाख में मिल जाए तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं कहीं बाहर था, मैंने प्रोग्राम बनाया, तो मैं तुरंत चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ आके उसको मिला दिलीप सिंह को। दिलीप सिंह को बोला कि मेरी पार्टी से बात करवा। तो पार्टी को हमने कहा कि हम इसी तरीके से दिल्ली आना चाहते हैं, तो आपसे मीटिंग को तो मीटिंग कर लेते हैं। वो कहते आ जाओ, हम रात को ही चले गए, रात को 1 बजे वहाँ गुड़गांव रहती थी पार्टी, गुड़गांव मिले और गुड़गांव मिलके डील करके आ गए। तो ये हमने सुबह मतलब 9:30 बजे और अगले दिन उसके साथ 52 लाख में ये सौदा कर लिया हमने। तो 52 लाख में सौदा करने के बाद मैंने मतलब ग्राहक ढूंढना शुरू करना था। ग्राहक ढूंढा मैंने अपने दोस्तों के सर्कल में, मैंने बात करी कि ये प्रॉपर्टी मिली है, बहुत बढ़िया है यार, देख लो आप। कहते नहीं जी, इसमें आपको क्या सस्ता लग रहा है, इसमें यदि इतनी सस्ती होती तो डेराबसी वाले भी ले लेते। तो मैं उनको ये कंपैरिजन करके बताता था कि यदि एग्रीकल्चर लैंड का रेट, ये 2004 की बात है, आप कच्चे रास्ते पर भी मान लो तो वो भी 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा ही है, मतलब 7.5 लाख रुपये एकड़ से कम नहीं। और ये तो फिर नेशनल हाईवे के ऊपर है, चंडीगढ़ दिल्ली दोनों राजधानियों को मिला रही है रोड, और फिर सबसे बड़ी बात है ये कॉर्नर के ऊपर ज़मीन है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करना, ये 52 लाख में ली गई थी और 3 महीने बाद, एग्जैक्ट 3 महीने बाद इसको हमने 62 लाख में बेच दिया, जो मेरे साथी थे, क्योंकि वो भी लोगों की बातें सुन के थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते थे, भी निकल जाए यहाँ से, चलो जो भी बचा इसमें से। ये उसके बाद की क्या बात है उसमें, इसके बाद ये मतलब जिस बंदे ने हमारे से ज़मीन ली 62 लाख में, उसने 2 साल रख के ये तकरीबन 2 करोड़ रुपये में ज़मीन बेची। और आज 2004 से लेके 17 साल हो गए, इसका रेट आज 7 करोड़ रुपये एकड़ का भी रेट हो सकता है। क्यों? ये कमर्शियल भी है और वहाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट आ गए और आगे, मतलब ये समझो कि जो 7 लाख रुपये एकड़ में ज़मीन मिली थी उसका 7 करोड़ रुपये एकड़ का रेट हो गया, यानी 100 गुना बढ़ गई। लेकिन जब ये वहाँ पर पड़ी थी, सस्ती थी, किसी का ध्यान नहीं खींचा इसने। मैंने ये लिखा था, सस्ती वस्तु किसी का ध्यान नहीं खींचती। सस्ता प्याज हो, 2 रुपये किलो हो, 1 रुपये किलो हो जाए, तो कोई आदमी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता।
टमाटर 2 रुपये किलो हो कोई ध्यान नहीं देता, गोभी 1 रुपये किलो हो 2 रुपये किलो कोई ध्यान नहीं देता, आलू 2 रुपये किलो हो कोई ध्यान नहीं, जब 80 रुपये किलो होते हैं तो अखबारों की सुर्खियाँ बनती हैं। भाई ये तो आम लोगों की बात है, पर मैं तो आपके लिए कहना चाहता हूँ यार, यदि आप रियल स्टेट में हो, बिजनेस में हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी सोच तो लोगों से अलग होनी चाहिए ना। तो अलग होती तो ये जो प्रॉपर्टी जो उनको किसी को नहीं दिखी ये आपको दिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसको हार्ड एंड डिसमिस्ड। मेरे एक जानकार थे, उनकी डेथ हो गई है, JP सिंह, वो कहते थे हार्ड एंड डिसमिस्ड, इसको मैंने सुन लिया और ख़त्म कर दिया। तो मैंने आज उनके, वो 2017 में उनकी डेथ हुई है, और 2017 में उनको इस बात का पछतावा रहा कि ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए थी। और ये दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है, विलेज बपरौर है, अमृतसर से हम दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ राजपुरा एक बहुत बढ़िया शहर है, राजपुरे से आगे 8-10 किलोमीटर दूर ये लैंड है, और ये 10 एकड़ ज़मीन थी, 11 लाख रुपये में एकड़ में ली थी। लेकिन इसमें जो नेगेटिविटी ये थी, ये घग्गर एक चो है यहाँ पर, वो जा रहा था इसमें, इसके पास से जा रहा था, तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये ज़मीन सस्ती है कि महंगी है। हमने ज़मीन किसी बंदे को दिखाई, बंदे को दिखाने के बाद ये ज़मीन 11 लाख रुपए में डील कर ली उसके साथ, और हमें लोगों ने, मेरे को बंत सिंह नंबरदार ने ये कमेंट किया कि शेर शाह सूरी मार्ग की सबसे बुरी ज़मीन आपने खरीद ली है, और ये ज़मीन आपके लिए परमानेंट आपकी होगी, ये बिकेगी नहीं। तो दोस्तों ये मतलब हम थोड़ी देर बाद हमने इसकी रजिस्ट्री करवा के रखी, रजिस्ट्री करवाने के बाद हमने 11 लाख रुपए में ली थी, और इसका 20 लाख रुपए का ग्राहक आ गया, 20 लाख में बिक गई। तो मेरे को ये पूछते थे, मैं क्या कहता था उनको, जब ये मेरे को कहते थे कि ये ज़मीन आपने क्यों पसंद की, मैंने कहा था या रोड की इस तरफ, ये रोड दिखाई है मैंने, ये रोड की इस तरफ 30 लाख रुपये एकड़ में है, और इस तरफ दो रोड की दूसरी तरफ 11 लाख रुपए एकड़ में, मतलब हम 33% में बैठे हैं यार, कितना नुकसान करेगी, या और ये पूरा रोड का फ्रंट है, इसको कितना नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों ये बात के लिए लोगों ने मेरे को बहुत डिस्करेज किया, लेकिन ठीक है, कोई जो डिस्करेज कर रहा है कर रहा है, मैं इन बातों से, लोगों की बातों से डिस्करेज नहीं होता। तो मैं ये, मेरी एक किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली, उसमें भी मैंने एक चैप्टर दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो दूसरों से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा होगा तब आप उनसे ज़्यादा सोच सकोगे, उनसे ज़्यादा चिंतन कर सकोगे, मंथन कर सकोगे। क्योंकि जो इन्वेस्टर की क्वालिटी है, जो सबसे जो ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर की बड़ी क्वालिटी है, उनमें से नंबर 1 पे एनालिसिस आता है, नंबर 2 पर हमारा सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल आता है, नंबर 3 पर आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेस्ट ऑन मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले तो मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस में ये किया कि ये यदि ये 30 लाख रुपए की ज़मीन है, ये 11 लाख में कोई बुरी नहीं है, रेट का कंपैरिजन किया कोई बुरी नहीं है, मैनिपुलेशन की मतलब कि ये कोई भी बंदा इसको हम किसी भी रेट में दे सकते हैं, 200 रुपये गज के हिसाब से ज़मीन मिली थी, और सारी कमर्शियल ज़मीन मेन रोड के ऊपर, ये मेन रोड अमृतसर से दिल्ली NH1 होता था पहले, अब तुम इसका शायद नाम और कोई रख दिया होगा, तो नेशनल हाईवे के ऊपर ज़मीन हो, होटल के लिए और किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सूटेबल हो, तो फिर इसमें नुकसान कैसे हो सकता है। सो सिंपल बात यही कहना चाहता हूँ भाई, जो सस्ती वस्तु है और प्रॉपर्टी है, लोगों का ध्यान नहीं खींचती, और जब ये अब ये 35 करोड़ रुपया मांग रहे हैं इसका, मतलब 7 करोड़ रुपये एकड़ का मांग रहे हैं, तो लोगों को, लोग उसको दिखाने जाते हैं, जब ये 7 लाख में मिल रही थी तो कोई आदमी इसको दिखाने नहीं जाता था। सो दोस्तों इस तरीके की गलती जो हम करते हैं वो हम ना करें, यही आज की वीडियो बनाने का मकसद था, और ये वीडियो आपके लिए कोई ना कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर बिल्ड करेगी, और आपके दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि जो आपके दोस्त हैं कोई इस तरह की कोई गलती कर रहा है, इस तरह के से सोचता है जिस तरीके से मेरे दोस्त सोचते थे, उस तरीके से ना सोचे, और अच्छे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एनालिसिस करे, उसके अपनी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल रखे, और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखे। तो दोस्तों ये इसलिए ही मेरा आज का टॉपिक मैंने चुना था कि आपके साथ बात कर लूँ। सो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, आपका कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो दोस्तों आप इसी तरीके से प्यार देते रहो, हम आपके प्यार से ही आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ
बिल्कुल मतलब कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हूँ, हर बंदे की मदद करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड सामने वाला बंदा मदद लेनी चाहता हो। दोस्तों पढ़ने की आदत डालो, आगे बढ़ने की आदत डालो, बुक्स आर द ट्रू फ्रेंड्स, किताबें ही आपकी दोस्त होती हैं। ये जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था लोगों से ज़्यादा था, सिर्फ मेरा किताबें पढ़ने की वजह से आया। सो आपने भी किताबों का ज्ञान लेना है और ऐसे बंदों के साथ बैठना है जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हों, नेगेटिव वालों के पास नहीं बैठना। सो दोस्तों आज के लिए इतनी, मिलता हूँ जल्दी, थैंक यू वेरी मच।